उसके बाद देखो यार, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था, हम रजत दलाल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। आपको ना मेरी लाइफ के थ्रू सीखना भी है कि मैं भी गलतियां करता हूँ भाई। मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, बट मैं भी बहुत चूतियागिरी करता हूँ, मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ करता हूँ। मैंने उस बंदे पर भरोसा किया, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। चाहते हैं कि मैं सिंघा को पिटवाऊं, मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं, सिंघा से बात करवाऊं, पर मैं क्यों बात करवाऊं? मैं कौन हूं? मैं मन्नू चौधरी हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं अपनी पावर लिफ्टिंग की प्रेप कर रहा हूं। अगर कोई दोस्त मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए आया तो मैं किसी का क्यों मिलवाऊं? मैं करूं क्या? मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो मैं अपने नेशनल के बाद पोस्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये पहले पोस्ट करी तो मुझे नहीं पता, क्या पता वो मुझे घर पे आके मार दें, क्या पता वो मुझे नेशनल में पकड़ के मार दें। मुझे नहीं पता भाई, मैं सीधे आपको कह रहा हूं। रुको जरा, सबर करो यार। मेरा घर आधे फरीदाबाद को पता होगा जो जिम जाता है। किसी से पूछ के आ जा। दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे लोग तेरे, भेज दे किसी को। जब भाई में कोई चीज गलत ही नहीं, स्माइल दिखा के कुछ नहीं होता, तुम कूल नहीं बनते भाई कि सामने वाले बंदे को ले गया। मैं लेके जाऊं उन लड़कियों को जिनके साथ तू टेढ़ी मेढ़ी चीजें करता है। तीन कॉन्फ्रेंस में थी कल, पर दूसरे की बहन बेटियों को मैं अपने मुद्दे में क्यों उछालूं? तू किसी के साथ 5 साल से रह रहा है चूतिया बना के लिव इन में, डालना बहनचोद। वही सेम लड़की है ना जिसके भाई ने आके गोली चलाई थी कॉलेज में। दोस्तों काफी कंट्रोवर्सी तगड़ा हो रखा है इन तीनों के बीच में। सिंघा, मन्नू एंड रजत दलाल काफी अग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि शायद कहीं ना कहीं सिंघा मन्नू सच बोल रहे हैं, या कहीं रजत दलाल पता ही नहीं चल पा रहा यार, क्यों ऐसा इतना तगड़ा कंट्रोवर्सी इन तीनों में हो चुका है। और खास करके पता तो ये चल रहा है कि इन तीनों में कंट्रोवर्सी सिर्फ एस्ट्रॉइड्स को लेकर है। वो दोनों प्रूफ करने में लगे हैं कि मैं नेचुरल हूँ, और एक कह रहे हैं कि मैं इन्हें एस्ट्रॉइड दिया। बस इसी के लेकर इतना बवाल खड़ा हो रखा है, और धमकी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना ये काफी चल रही है। दोस्तों फुल वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार रजत दलाल भी सही बोल रहे हैं, तो कहीं सिंघा भी भाई भी सही बोल रहे हैं, एंड मन्नू का भी सही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ क्लियरेंस आ नहीं रही है। तो चलिए दोस्तों फुल वीडियो को देखते हैं पूरी डिटेल के साथ, और कमेंट में आप बताना कि कौन सही है कौन गलत है। बट उससे पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक और कमेंट जरूर करें। बताऊंगा पूरा। तो वो कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन में इन्होंने मन्नू को बोला कि एस्थामाइन करके एक चीज़ होती है, जिससे जो बेसिकली ऐसे होता है कि मान लो अमीनो एसिड्स होता है। आज के इस वीडियो में हम अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन के इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग महिलाओं में, पुरुषों में, स्पोर्ट्स पर्सन तथा एथलीट और अन्य सभी में भी किया जाता है जिन्हें स्ट्रेंथ के तथा स्टेमिना की आवश्यकता है। साथ ही उन व्यक्तियों में किया जाता है जिनमें न्यूट्रिशन डेफिशियंसी है, अमीनो एसिड की कमी है। तो उन्होंने आसपास कोई भी हॉस्पिटल वॉस्पिटल नहीं था उस टाइम पे, मतलब मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं यार। तो रजत दलाल ने बोला कि मेरे को इंजेक्शन देने आते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं दे दूंगा तेरे को। उसने खुद से अपने हाथों से इंजेक्शन लगाई है मेरे एस्थामाइन की, नॉट ड्रग्स, नॉट स्टॉप। तो यहाँ से ना यहाँ इंजेक्शन लगाई तो थोड़ा बहुत खून गिरने लगा, ठीक है, थोड़ा बहुत खून गिरने लगा। तो उसने मजाक मजाक में, उसका नाम है रजत दलाल तो ROD, उसने मजाक मजाक में यहाँ पे ROD लिख दिया। एंड वो उसी चीज़ की उसने फोटो खींच ली। मैंने बोला फोटो क्यों खींच रहे हो यार, तो उसने बोला मैं बस हाथ की खींच रहा हूँ। तो वही उस पर हाथ की फोटो है, और यहाँ पे वो ऐसे दिखा रहा है कि मेरे हाथ पे कुछ तिल है यहाँ पे ऐसे। तो हाथ तो मेरे ही है, मैं तो कह ही रहा हूँ हाथ मेरा है, तूने इंजेक्शन लगाई है, ऐसा मैं इनकी इंजेक्शन लगाई है। उसके बाद देखो यार, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था, हम रजत दलाल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। आपको ना मेरी लाइफ के थ्रू सीखना भी है कि मैं भी गलतियां करता हूँ भाई। मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, बट मैं भी बहुत चूतियागिरी करता हूँ, मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ करता हूँ। मैंने उस बंदे पर भरोसा किया, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। फिर उसने कहा कि एक इंसुलिन करके चीज़ होती है, इंसुलिन दे देते हैं। जब हमारा वजन दे दिया मैंने, 93 के नीचे आ गया वज़न, बट मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता भाई, मेरे को पता था मैं गिर रहा था। तो उसने बोला कि इंसुलिन दे देते हैं तो तू जो भी खाना खाएगा वो तेरे मसल्स में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ। भाई उस टाइम पे हम जो वो बोल रहे थे हम सुन रहे थे भाई, है ना, हमारा पहला दूसरा कॉम्पिटिशन, उन्होंने 10 कॉम्पिटिशन खेल रखे थे, तो वो जो बोल रहे थे हम सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इंसुलिन दे देते हैं, उन्होंने वो लगा दी, हो गया कॉम्पिटिशन खेला, हार गया भाई, नहीं अच्छा गया कॉम्पिटिशन, नहीं हुआ पाया परफॉर्म, नहीं रिकवर कर पाई बॉडी। फिर मैं घर आ गया, सब कोई अपने अपने घर चले गए, जो भी हुआ। उसके बाद मैं अगली कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग गया। नाउ अब ये चाहते हैं कि मैं सिंघा को पिटवाऊं, मुझे नहीं पता क्या चाहते, सिंघा से बात करवाऊं,
पर मैं क्यों बात करवाऊं? मैं कौन हूं? मैं मन्नू चौधरी हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं अपनी पावर लिफ्टिंग की प्रेप कर रहा हूं। अगर कोई दोस्त मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए आया तो मैं किसी का क्यों मिलवाऊं? आप खुद बताओ, अगर आपका कोई दोस्त आपका 400-500 किलोमीटर से दूर आ रहा है और कोई आपको पता है कि जिसकी नहीं बनती है आपस में, वो कह रहा है कि मुझे इससे मिलवा दे, बस मिलवा दे, आप मिलवाओगे उसे? मैं नहीं मिलवाऊंगा। मैं सीधे सीधे कह दिया मैंने कि मैं बिचौलिया नहीं हूं, मैं नहीं मिलवाऊंगा। और फिर मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने सब ब्लॉक कर दिया। उसके बाद लाइव आए, लाइव के ऊपर जो भी हुआ ये सब हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो मेरी पिक्चर आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी, जो मैं इंजेक्शन पकड़ के हाथ में खड़ा हूं। तो मेरे पे अभी कमेंट आ रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरे को इतने कमेंट आ गए हैं, इतनी वीडियो पोस्ट हो चुकी है अभी कि मन्नू नेचुरल नेटी नहीं है, मन्नू तो स्टेरॉयड लेता है। और मुझे ये चीज सुन के इतना ज्यादा शॉक में हूं ना मैं, कि जो वो वीडियो है ना जिसमें मैं इंजेक्शन पकड़ के खड़ा हूँ, जो लोगों ने मतलब जो लोग पेप्टाइड यूज करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डर हैं, उन्हें पता है वो उतना बड़ा इंजेक्शन स्टेरॉयड के लिए नहीं होता। स्टेरॉयड होता है 1 ml, 2 ml। और अगर आप ये पूछोगे कि मेरे को इतनी नॉलेज कैसे है, मैं बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट के साथ रहा हूं, मुझे पता है स्टेरॉयड क्या होता है, कैसे डोसेज होती है, सब पता है। इतना नहीं पता पर पता है। स्टेरॉयड की डोसेज आपको भी पता होगा, 1 ml, 2 ml, वो जो 20 ml है, 20 ml कोई स्टेरॉयड नहीं लेता। कोई सभी स्टेरॉयड नहीं बना है जो 20 ml के लिए बना होता है, पहली चीज। उसके अंदर क्या था मैं आपको वो बताता हूं। आपको स्क्रीन पे फिर से स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे, एस्टामिन के, न्यूरोबियन के। ये आप टैबलेट्स भी जाके ले सकते हो, एस्टामिन के बारे में आप पढ़ सकते हो। एस्टामिन एक अमीनो एसिड होता है, न्यूरोबियन एक मेरे ख्याल से वेन्स की ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए होता है। ये सब नेचुरल चीजें हैं जो आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो। लेकिन रजत दलाल ने मुझे सिंघा के नेशनल में बताया कि अगर तुम इसे डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करोगे तो ये तुम्हें डायरेक्ट ब्लड में हेल्प करेगा, पर ये कुछ बैन नहीं है नाडा से। मैंने सब चेक कर लिया था, नाडा में अलाउड है, सब जगह अलाउड है। अब इसके लिए मुझे आपको थोड़ा बैक पे लेके जाना पड़ेगा कि मैं वो लेके क्यों खड़ा था। जब हम सिंघा के नेशनल के लिए जा रहे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी, उसको बुखार हो गया था, उसका बॉडी वेट कट करना था, उसको बुखार में बॉडी वेट कट करना पड़ा। तो जितना उसने बॉडी वेट कट करा तो रजत दलाल ने बोला कि कोई नहीं, हम तेरी स्ट्रेंथ वापसी ले आएंगे, तो कुछ मत खा भी। तो जब इसका बॉडी वेट, जब ये खाना नहीं खा रहा था बॉडी वेट काटने के लिए, कुछ नहीं खा रहा था, तो इसको एस्टामिन दिया जा रहा था, जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं। और वो अमीनो एसिड्स इसको हर 3 घंटे में लगाया जा रहा था, जो कि बात बोली गई है हर 3 घंटे में तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हर 3 घंटे में इंजेक्शन स्टेरॉयड नहीं जाते, हर 3 घंटे में एस्टामिन लगाया जा रहा था, जो कि आप हॉस्पिटल में जब पेशेंट बहुत ज्यादा वीक होता है तो उसको भी लगाया जाता है। ये चीज मुझे रजत दलाल ने ही बताई, मैं ही उनके साथ खरीदने गया, मैंने खरीदा है साथ में, मैंने एस्टामिन खरीदा है। मैंने एस्टामिन बहुत लोगों को बताया कि एस्टामिन तो भाई अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर तुम डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करो। मैंने करा ब्लड में इंजेक्ट, पर मुझे डर लगने लग गया था क्योंकि मेरी वेन्स बहुत मोटी है, तो वो ब्लड बाहर निकलने लग जाता था, और कोई नॉर्मल नर्स लगाती नहीं थी, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था। तो मैंने बंद कर दिया था, मैंने 2 बार लिया, मैंने कहा यार इतना रिस्की है, मैं खुद लगा नहीं पाता और मैं किससे लगवाऊंगा, तो मैंने वो बंद कर दिया। मेरे को इस बात से शौक हो रहा है कि रजत दलाल जानता है कि मैं 13-14 साल की उम्र में गुरुजी के जिम में गया, मैं उनके पीछे बैठ के बाइक पे मेट्रो तक जाता था, मैं घर आता था, और वो अब लाइफ पे आगे कह रहे कि तू 2005-6 साल पहले भी 19 साल का था, तू अभी भी 19 साल का है। मुझे बस इस चीज का शौक हो रहा है कि इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। अगर 1000 लोग खेल रहे ना एक कॉम्पिटिशन, उनका 2 बंदों का डोप टेस्ट होता है। अगर मैं बोलूं चलो मैं डोप टेस्ट ले रहा हूं सबके, मैंने ले लिए और मैं रिपोर्ट में सबको पास कर दूं, फिर जिस फेडरेशन पे साला तंबू लगा लगा के कॉम्पिटिशन कराने के पैसे नहीं है ढंग से, मैंने मेरे हाथों से लगाए, मैं खुले में थोक के बोल रहा हूं, इन हाथों से लगाए हैं और मुझे पता है स्टीरॉयड में और बाकी चीजों में फर्क क्या होता है, इसलिए स्टैंड ले रहा था अपनी कम्युनिटी का। मेरे को मतलब नहीं अगर बाहर की कोई बंदा नॉर्मल बंदा मेरे को इसमें कमेंट करता है, मेरे को खाली ये चीज था जो बहन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ाई दढ़ाई छोड़ के इनकी बकचोदियों में घुस जाए। मैं चलो खुल के बोलता हूँ ये चीज, धर्म का नाम बोलते हो ना, आज भी कृष्ण जी लगा रखे थे, भगवान जी ने बोला है, 36 तरह की बुराई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर। तुम कल हनुमान चालीसा सुना देना बिना रुके, बिना एडिट करे, आंख बंद करके, कि कहीं से देख नहीं रहे, मेरे से सुन लेना, जिस भगवान का जो सुनना हो वो सुना दूंगा और लाइव में सुना दूंगा। मैं तो कहीं नहीं ड्रामे पेलता, जो चीज चल रही है चला लो, गालियां बकते रहो वैसे और वैसे राम राम करते रहो। भाई 2 लोगों की आंख होती है, एक इंसान की 2 आंखें होती हैं। इतना दिखता है यार, क्या चीज असली है क्या चीज नकली है। मम्मी को ले आओ, पापा को ले आओ, 36 ड्रामे करो, वो तुम्हारा अपना हैंडल है, ठीक है करो, तुम्हारी अपनी चॉइस है करो। वो मम्मी पापा भाई वो ही हैं
जिनके आगे तू भागा था बेंच छोड़ के, और वो मैं ही था जो तेरे को लेके आया था कि भाई कम से कम खेल ले, एक मेडल तो होगा तेरे घर वालों के हाथ में। स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इसकी मेरी चैट के सारे, कितना प्यार से ट्रीट करा, छोटी छोटी चीज बताई। और भाई तुम ऐसे इंसान के साथ ये वसूली कर देते हो, मेरे साथ ही ऐसी वसूली। मेरे साथ बंदे ने बिजनेस खोला 3 या 4 तरह का, 5.5 लाख रुपए उसमें मैंने इन्वेस्ट मारे, आउट ऑफ नोवेयर इसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। मैंने वो चीजें आज तक नहीं डाली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। सही है तूने उस टाइम निकाल दिया, कल को वो लाखों करोड़ों का काम हो चुका होता तब तू करता तो पैसे दिक्कत होती। तू यार अपने लोगों का तो सगा है नहीं, तू मेरा क्या सगा होगा ना। मैं कम से कम किसी को यार दोस्त बना के घूमता तो नहीं रहता ना, कि तू भी मेरा तू भी मेरा और बाद में उन्हीं के साथ लड़ता रहूं। एक इंसान दिखा दे जिस जो मेरे साथ रहा हो और जिससे मैं लड़ाऊं। जो इंसान अपने पार्टनर का नहीं है ना और अपने घर वालों का नहीं है, वो साला किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। जो अपनों का सगा नहीं है वो किसी का बच्चों को लगता है तुम्हारे लिए कुछ करेगा, कब करेगा? आज तक कभी तूने ये बताया तू पूरे दिन खाता क्या है? हाँ चलो वीडियो बना दी ठीक है, बच्चों को बताना क्या खाना है? तेरे को खुद नहीं पता तू क्या किसी को बताएगा? एक 8वीं फेल तेरे से फालतू पढ़ा लिखा है, डीफेम कर रहे हैं डाल के। अरे भाई एक बंदे के बारे में तुम 100 लोगों से पूछोगे ना 40 तरह की 40 उल्टी सीधी बात आएंगी। 10वीं 11वीं मैंने पूरी बंक मारी है, जब पता कर ले तो बोल दे कि मैं अनपढ़ हूं, मैं आवारा था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जेल में पड़े हैं तो बोल दे मैं क्रिमिनल हूं, मेरे पे एक केस नहीं है, कैसा ही केस नहीं है। विकास ने मेरे ऊपर डाला 7,66,000 रुपए का, हमने सीधे पूछा कितने रुपए देने हैं, कहता 6 लाख में सेटलमेंट कर दो। 6 लाख रुपए के ना चेक ऑन द स्पॉट रख दिए थे, और तेरे तू वही बंदा है जिसने 8,000 रुपए देने थे अक्टूबर के, उसके भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अगर कहेगा तो, वो भी 2.5 महीने में दिए थे। गलीच पने की हद होती है, जीएसटी नंबर है इसका मेरा साथ में बिजनेस करते हुए का। पता नहीं यार कैसे लोगों, अगर एक आदमी सच बोल रहा है तो सीधे बोल दे यार आगे से नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तुम साला उसमें अटक भी रहे हो, लोगों को झूठ भी बोल रहे हो, दूसरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, भाई सामने वाला गलत। भाई मैं नहीं हटने वाला कहीं, और कह रहा है कुछ होगा तो मैं नहीं करवा रहा तेरे पे कुछ, मैं नहीं करवा रहा तेरे पे कुछ। मुझे करवाना होता ना तो जहां मन्नू रहता है ना, कराला गांव है उसके पास में, वो मेरा ही गांव है मम्मी का, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट दूर है, 15 मिनट होगा रास्ता खाली हो तो, भेजने में कुछ भेज देता मैं अभी भी भेज सकता हूं, एक फोन मिला ना 6 मामा है मेरे। मैं तो नहीं बोलता ये चीजें पब्लिकली, मैं उस दिन आया था एक बंदा मेरे साथ था, मैं तो कोई फौज लेके नहीं आया, मैं किसी के घर पे जा रहा हूं यार, मैं लड़ने जाऊंगा? तुम तो ऐसा प्रिटेंड करा रहे हो भाई, ये लड़का तो पता नहीं क्या ही है। एक बंदा तो दिखा मुझे पूरी कम्युनिटी में जिससे मेरा जूता बजाओ, जिसपे मैंने हाथ छोड़ा हूं। तू एक बंदा ऐसा ही दिखा दे जिसके साथ घूमता हूं, हर रोज किसी के साथ खाने नहीं बैठ जाता टेबल पे। बच्चों को झूठ बोल रहे भाई, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, टॉपिक ये था कि क्या तुम लोग नेचुरल हो कि नहीं हो, और मुझे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता कोई है कि नहीं है, हो तो रहो पर कम से कम भाई बच्चों को तो चूतिया मत बनाओ। तुम्हें लोग देखते हैं अच्छी चीज है, एक डंबल प्रेस के लिए तो तुम 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो बना देते हो, उसमें 8 मिनट 2 मिनट में 9 मिनट में 2 मिनट डाल दो ना कि करना कैसे होता है, कैसे ग्रिप होती, कहां एल्बो होती है, कहां लेट, तुम्हें खुद नहीं पता, एक कंधा नीचे एक कंधा ऊपर है, डाल दियो वो चीज भी। अपनी बॉडी संभाल नहीं रही, दूसरों की क्या घंटा संभालोगे। इस भाई के कोच को मैंने फोन करा, उसने सीधे मना कर दी। मैं बहुत सारी चीजें बोल भी नहीं सकता जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो तेरे कोच ने ही बताई थी औरों को, दूसरों की रिपोर्ट भेज रहे हैं अपने कोच पे, देखना इसकी ये प्रॉब्लम है इसकी ये। बहुत पढ़े लिखे हैं आपके कोच, बहुत इज्जत है, असल में पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं ना पढ़ा लिखा हो ना। मैंने इस बंदे को कोचिंग नहीं दी, कुणाल बोलता है मैंने उसको कोचिंग नहीं दी, मैंने उसको कोचिंग दी थी, वो स्क्रीनशॉट्स भी डाल दो। ना टाइम से पेमेंट कर रहा था ना कुछ, बाय बाय टाटा। पता नहीं यार तुम्हारा कंट्रोवर्सी से काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जब तूने स्टार्ट नहीं करी थी ना तब 300 से पार मारता था, और वो भी कन्वेंशनल 84 किलो पे, पर उस चीज का कभी घमंड नहीं करा। मेरे को कल बोलता है 479 डॉट्सी तो है, तेरे तो वो भी नहीं है। मेरा तो हाथ टूटा पड़ा है भाई उल्टा वाला, उसके बाद मैं चीची पीपी नहीं करता। तुम्हारे एक खाल फट जाती है उसके ऊपर तुम फ्रेंड्स आई एम वर्किंग वेरी हार्ड आई विल डू समथिंग
यू विल डू समथिंग। एक आदमी एक्टिंग कर रहा है, सही बोल रहा है, इतना ना लोगों को समझ आता है कौन सही बोल रहा है कौन एक्टिंग कर रहा है। मैं स्क्रिप्टेड घंटा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ना करता। कोई वीडियो उठा लेना यूट्यूब कुछ मैं जैसा है वो है, खत्म बात। मैं भी बहुत कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को ले, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरा यूट्यूब का मेरे को पासवर्ड तक नहीं पता, मेरे फोन में साइन इन तक नहीं है, मेरे पे टाइम ही नहीं है यार। पूरे दिन ट्रेवलिंग होती है इधर से उधर काम के चक्कर में। एक बंदा बोल रहा है मैं पूरे दिन सोता रहता हूं, खाता रहता हूं, ट्रेन करता रहता हूं। भाई जब तू सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो तेरे को स्टेमिना की क्या जरूरत है? तेरे को कैल्शियम की क्या जरूरत है? भाई मैं कल वीडियो डालूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा हाथ खड़े, ना मैं जा रहा रांची, ना मैं किसी से रख रहा लेन देन। इनका कुछ नहीं भरोसा, वहां साले चार लड़कियां खड़े कर दें, कहते रजत दलाल पे रेप केस, गिरने वाला तो किसी अपनी कर रहे बहनचोद। किसी भी हद तक गिर सकते हो भाई, अगर तुम इतनी गंदी गंदी चीजें उठा रहे हो। जिस बंदे के साथ तूने लाइव डाला, उसने 2 साल 10 महीने 9 महीने बाद केस करा था मेरे पे, और वो भी क्यों करा था? एक लड़की को एक कोच हरास कर रहा था और वो मैं बचाने चला गया था बेंगलोर। वो चीज डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, इसकी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तू ये बता तूने लिया नहीं लिया, खत्म बात। देहरादून में प्रॉप मैंने तेरे लगाया, मन्नू के प्रॉप मैंने लगाया राइट वाले चूतड़ पे, मैंने जो बताई कॉम्पिटिशन से पहले एक्वाविरॉन लगाया, पेन किलर लगाया, इंसुलिन लगाया, सब कुछ ले लो। फिर क्या, तो मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी बोल देता हूं, मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो फेत पे चल रहा हूं, फेत तमिल को पहले गुलू जी पे। इतना अनपढ़ कोई नहीं है भाई, अपने शरीर में कुछ भी ऐसे ही डाल देगा। कोई भी अपने शरीर में कुछ भी ऐसे नहीं डाल सकता भाई। अगर एक गोली भी खाते हैं ना, तो पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तू नसों में इंजेक्शन लगा रहा, तू गूगल नहीं करेगा? इसकी अंधी जनता जो है, जो भी उल्टे सीधे कमेंट कर रही थी, 0 पोस्ट, 1 पोस्ट 2 पोस्ट। अरे भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मेरा घर आधे फरीदाबाद को पता होगा जो जिम जाता है। किसी से पूछ के आ जा, दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे लोग तेरे, भेज दे किसी को। जब भाई मैं कोई चीज गलत ही नहीं बोल रहा, मैं किसी को डिफेम ही नहीं कर रहा, कुछ भी एलिगेशन उल्टे नहीं लगा रहा, जो मेरे सामने की चीज है वो बोल रहा हूं ना। अगर मैं पीठ पीछे की चीजें बोल रहा हूं तो समझ आता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं। तू टॉपिक से डाइवर्ट करके विकास को ला रहा है लाइन पे, मम्मी का लेकर ट्रंप कार्ड कर रहे हो, रो रहे हो। मैं ये भाई, मेरे को भी दिक्कत हुई थी। जो बंदे मेरे इस पे हैं पेज पे, 4 साल 5 साल पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता था 50-50, 60-60 किलोमीटर पूरे एनी टाइम में, सब में बहन था। 8 बजे मैनेजमेंट आता था, उससे पहले करके निकल जाता था। मैं तो उस चीज का गाना नहीं गा रहा, हमने भी सफर करा है भाई, भरे पानी में ट्रेन करा बेसमेंट में। जब लॉकडाउन में तुम सब भाना रो रहे थे ना, ड्रामा रो रहे थे, जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना उसी रात को सारा सामान ले आया था, क्योंकि करनी थी चीज। बाने नहीं दिए भाई कभी, पिछले 9-10 साल जितने भी है, 28 नवंबर 2013 से कभी ऑफ नहीं लिया, कंसिस्टेंट है। हाथ टूटे, पैर टूटे, कुछ टूटे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नहीं बोलता कि मैं ये छोड़ रहा हूं, मैं बोलता ही नहीं यार कुछ भी। मेरे से ऊपर ऊपर के बहुत लिफ्टर हैं असल में, हैं और बहुत इज्जत है उनकी। तू कहीं स्टैंड नहीं करते तुम दोनों, तुम कह रहे हो मेरे को तुमसे प्रॉब्लम है। दिल्ली वाले भाई की 300 डेट नहीं पहुंची आज तक। जब बालक था ना मैं, तब मार रहा था, 250 का स्क्वाट नहीं है उसका। जान जान की चीजें करता हूं, कर लो जो मेरी ट्रेनिंग है। कल एक वीडियो डालूंगा, मुंह तो निकल जाएगा करने में। 42 सेट मारे बिना रुके, 30-30, 20-20 सेकंड का गैप लेके, सांस चढ़ जाएंगे तुम्हारे। पर मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता ना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। पानी चाहिए यार, माथा गर्म कर रखा। तुम कुछ भी बोल देते हो यार किसी को मुंह उठा के। बात करते करते ही एक सेकंड भाई, मैं एक बड़ी गाड़ी बोल लूं। कुछ बोल दो, फिर इमोशनल कार्ड खेल दो, हम अपने घर वालों के। कोई यार एक छोटी सी चीज है, कोई भी बंदा कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ना, या किसी बाहर वाले के लिए कर रहा है। दो
दुनिया भर की दारू तुम पीते हो, सिगरेट तुम पीते हो, बहन चो बच्चों को कुछ सिखाना, अच्छा खाओ, ये करो वो करो, पार्टी कर रहे हो क्लबों में, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा डाल रहे हो। तुम्हारे घर में भाण बेटी नहीं है? भाण बेटी नहीं है क्या? मन्नू की तो हरकतें मैं क्या बोलूं अब ना, दिल्ली वाले भाई सारे सबको पता होगी, जो अक्टूबर में नेशनल गए थे सबको पता होगी, अपनी बंदियों के साथ सेक्स करते करते पीछे से वीडियो बनाता है भैंड चोद। एलिगेशन नहीं लगा रहा भाई, मेरी वो आदत नहीं है कि किसी पे झूठ बोलूं, इतना गया गुजरा नहीं हूं कि ये उल्टी सीधी इतनी इतनी गंदी चीजें मैं ऐसे बोल दूंगा। भैंड चोद, गुस्सा आता है ये चीजें सोच सोच के, लोगों के बटर हो जाते हैं, लड़कियों के कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तब तुम रोध होते दे रहे हो, अपनी हरकतें नहीं देखते। तुम्हारे घर में बहन तो होगी नहीं, मम्मी तो होगी नहीं, भाई खून खोलता है, किला समझती है जिस हिसाब की तुम हरकत करते हो और फिर दिखाते हो। और कोई और ना स्टैंड लेता मैं लूंगा और एंड तक लूंगा, एक कल वीडियो अच्छे से डालूंगा और तुम में से कोई मेरे को हाथ लगवा के दिखा देना, जेड सिक्योरिटी लेके घूम लेना, उसके बाद और बताओ। मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अभी कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, करने में मैं इतना भी कर सकता हूं कल भाई चिंगा जी आपके घर भी पहुंच सकता हूं, पर मैं क्यों करूं भाई? मेरी फैमिली में एक इंसान को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तेरे भाई का फोन आ गया, तेरे पापा का फोन आ गया, मम्मी परेशान है, मन्नू की मम्मी बात कर रही है। अबे तुम किस बात के आदमी हो, किस बात के घर संभालोगे अगर तुम छोटी सी बात पे अपने माँ बाप को स्ट्रेस दे रहे हो? तेरा भाई बोल रहा है यार मेरे भाई को छोड़ दो। अरे मेरे भाई, मैंने थोड़ी पकड़ा है तेरे भाई को, तूने क्यों मेरे को फोन करा? तेरे भाई ने मेरे को क्यों फोन करा? तूने वीडियो बनानी थी, बना ली, क्या उखाड़ लिया? मैंने चाहे 36 चीजें उल्टी करी हूं, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा कर, मेरी गाड़ी पे ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है, पता रोक के दिखाऊं? रुक रुक ले, नहीं है नंबर, नहीं है नंबर, मैं रूल तोड़ रहा हूं, चलो ठीक है ट्रैफिक के, तो मैं क्या मेरे सोशल मीडिया वाले बंदों को ये चीजें डाल के दे रहा हूं? मैं किसी वजह से नहीं लगा रहा, मेरा नंबर आ रखा है बहुत टाइम से, 4 महीने हो गए गाड़ी को, तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं चीज, तो मैं किसी को सिखा थोड़ी रहा हूं। कोई दूध का दूल्हा नहीं बना भाई, कोई दूध का दूल्हा नहीं बना, कम से कम मैं क्लेम तो नहीं करता ना, या बेंचो जो बच्चे मेरे को छोटे छोटे देख रहे हैं मैं उनको पागल तो नहीं बनाता ना। पर कैसे घर से आते हो, तेरे पूरे खानदान में नहीं होंगे ऐसे जैसे मेरे घर में है। आर्मी चेन से बिलोंग करता हूं, तेरे खानदान में करिए किसी ने आर्मी सर्व? हमारे लोग लड़े हैं, फैमिली की बात चोद रहा है, मेरा भाई पूरा स्कूल संभालता है, तेरे घर में है कोई इतना पढ़ा लिखा? मेरी एक बहन जज है, तेरे घर में है कोई? नहीं बोला मैं कभी ये चीज, आप बोल रहा हूं, पढ़ ले क्या पढ़ेगा? कह रहा पढ़े लिखे कैसे घर से आते हो, कैसे घर से आते हो? मैं कभी मेरी फैमिली का कुछ डिस्क्लोज नहीं करता यार, 1% चीजें नहीं डालता, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई हम बहन जो बिजनेसमैन थोड़ी है। विक्की भैया पानी की बोतल भिजवाओ यार, एक लीटर देना, दो मत देना। कोई उल्टी सीधी चीज पे नहीं कर रहा मैं कुछ भी कि हाँ, और भाई से कोई रिकॉर्ड कर देना, कुछ नहीं पता ये साले अकाउंट उड़वा दे मेरा। अरे एक लीटर ला, दो का क्या करूंगा? तुम्हें केमिकलों के नाम तो पता नहीं है, तुम बच्चों को प्रोटीन ऐसे चिपका रहे हो कि कुछ भी ले लो, ये ले लो वो ले लो। अरे यार भाई आजा, आज पानी पीऊं यार, एक सेकंड रुक, गला आ रहा हूं मैं तुझे। अब ये भी फ्रॉडियों की बात कर रहे थे, ये भी फ्रॉडी। ओए ये किंटी पिंटी मत दे, किल्ले देना। लग रहा है ये भी लाइव देख रहा था।
एक सेकंड रुकना भाई साहब। मेरा तो मन कर रहा है यही पी लूं। ऐसे ही तुम सबका होता है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहा तो इन्हें देख लो। ये देख के तो देख रहे यार। कोई बात नहीं, सॉरी का, सॉरी जिन्हें बोलनी चाहिए वो बोलने, बढ़िया लगता है। ओ पैसे भी देने थे। ओ रजत ने तो फ्रॉड कर दिया, पानी वाले को पैसे नहीं दिए। 7 लाख रुपए लेने थे उस भाई से जिसको 6 लाख देके बैठा हूं। जिस बंदे ने फ्रॉड करा था ना, सन्नी के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, जतिन भैया जतिन भाटिया उनके साथ हुआ था, उनके क्लाइंट के साथ हुआ था। पर छोटे छोटे पैसों के चक्कर में हम क्या अब अदालतों में डोलते रहे? मुझे पता है भाई, घर के लोग हैं उस चीज में, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अबे यार कम से कम तू ये चीज देख, मैंने स्टैंड लिया उस टाइम, तेरा सारा सामान लगवाया, तेरी पेमेंट करी, उस भाई को फेम चाहिए, वो आ गया बीच में। अरे पानी मंगवाया था, पिया ही नहीं। ये झूठी झूठी फेक स्माइल दिखा के कुछ नहीं होता, तुम कूल नहीं बनते भाई कि सामने वाले बंदे को ले गया। मैं लेके जाऊं उन लड़कियों को जिनके साथ तू टेढ़ी मेढ़ी चीजें करता है? 3 कॉन्फ्रेंस में थी कल, पर दूसरे की बहन बेटियों को मैं अपने मुद्दे में क्यों उछालूं? तू किसी के साथ 5 साल से रह रहा है चूतिया बना के लिव इन में, डालना बहनचोद। वही सेम लड़की है ना जिसके भाई ने आके गोली चलाई थी कॉलेज में, फिर कहते बंदी पे जाते हो। जब तू खुल के हर चीज पे जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा ना भाई। स्टैंड लेना ही नहीं आता भाई किसी चीज के लिए। तुम साले किसी के सगे ही नहीं हो, तुम अपने लोगों के सगे नहीं हो, तुम मेरे क्या सगे होगे? मेरे को बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला भाई ये काम करने के लायक नहीं है, काम करने के लायक नहीं है। अरे यार पैसा सबको कमाना है, हमें भी कमाना है, थोड़ा बहुत नहीं कमाना, बहुत कमाना है, पर किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एक स्पॉन्सर तुम्हें 3-4 लाख रुपए बहुत आराम से देता है, बहुत आराम से देता है। कितना टैक्स भरते हो, कितना टैक्स भरते हो? कुछ चैरिटी करते हो जो तुम लोगों को ज्ञान पेलते हो? हम इतने अच्छे, हम इतने अच्छे। लड़कीबाज तुम, नशेबाज तुम, स्टीरॉयड तुम लेते हो, नॉलेज तुम पे नहीं है, ये चीज फैक्ट है भाई। इसमें मैं मनगढ़ंत कहानियां तो बना ही नहीं रहा, और मैंने भी चीजें तब बोलनी स्टार्ट करी है मैंने, ताकि तुम्हारा पहले देख लूं तुम क्या बोलोगे, उसके बाद बोलूंगा। मैं कभी कुछ ऐसा बोलना ही नहीं चाहता जो मेरी तरफ से चीज स्टार्ट हो, जो मेरी तरफ से सही में शुरू हो। तभी मैंने बोला पहले इन दोनों को डालने दो, मैं सीधे YouTube वीडियो डाल देता, पर भाई मेरे पास बंदा नहीं है। अगर मैंने यहां पर कोई चीज स्टार्ट करी है तो मैं आंसरेबल हूं तुम सबको, मैं आंसरेबल हूं, पर उसे खींचूंगा नहीं। कल एक YouTube वीडियो डाल दूंगा, फिर हाथ जोड़ दूंगा। मैंने एक बंदे से सपोर्ट नहीं मांगा है, सिंगल एक बंदे से। मेरी जान पहचान के भी बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत फॉलोवर है, बहुत फॉलोवर है। लीक करने में मैं भी आपका नंबर लीक कर सकता हूं, उस भाई का भी कर सकता हूं, और बोल सकता हूं करो फोन। नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूं भाई, क्यों करूं? तुम जिस हद तक गिर सकते हो गिर लो, मैं बहुत शांत रहूंगा। जिस दिन मेरा आपा खत्म हो गया ना, उस दिन किसी को आपका अकाउंट भी नहीं मिलेगा, और आप भी नहीं मिलोगे। हो सकता है ना अब्रॉड चले जाओ, अब करोगे धमकी दे दी, धमकी दे दी। मैं चीज बता रहा हूं भाई, मेरे को उस लेवल पे ट्रिगर मत करो। मैं हर चीज करने के लिए सक्षम हूं, अकेले दम पे हूं, और मैं किसी की हेल्प नहीं लेता। मैं भाई भाई करके बात कर रहा हूं, तुम तो यार प्रोवोक करे जा रहे हो, प्रोवोक करे जा रहे हो। तुम इतने दूध के दूल्हे बन जाते हो भाई। मैं तो मेरे मुंह पे जो चीज आ रही है बोल रहा हूं, मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं कर रहा कि हाँ स्क्रिप्ट बना के कुछ कर दी। इसके बंदे इसको देख के बोल देते हैं, आके कमेंट सेक्शन में गालियां देने लग जाते हैं। आज तक किसी की गालियां नहीं खाई, और तुम में से चाहे 10 आ जाओ, चाहे 20 आ जाओ, चाहे 50 आ जाओ, मेरे मुंह पे सामने गाली देके आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है।
आ रही है ना? एक बंदा और कंफर्म करो फिर हटाता हूँ कमेंट। आ रही है, चलो ठीक है भाई। मैं बहुत अच्छी स्टेज पे कम्पीट करता हूँ, बहुत अच्छी स्टेज पे खुले में डालता हूँ, पर मैं आके डिंडोरा नहीं पीटता, नहीं पीटता। ड्रग टेस्ट क्या है? मैं 6 महीने बाद ड्रग टेस्ट वाली मीट में खेल के पास करके दिखा दूंगा सारा सब कुछ लेके भी। मेरी कल रिपोर्ट करा लो, तुम अपनी कल रिपोर्ट करा लो, देख लो किसका हेल्दी है। मैं शरीर चलता है पूरे दिन भाई, सुबह से शाम तक काम करता हूं, मेहनत करता हूं यार। मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग करी है? मैं बॉडी बिल्डिंग कर चुका हूं, मैं सामान यूज कर चुका हूं, मैं खुद को कुछ बोलता ही नहीं यार। अगर एक बार किसी बंदे ने यूज करा है, वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने छोड़ दे, तो मेरे को ये चीज पता है वो नटी नहीं हो जाता। दुनिया भर के पावर लिफ्टर यूज करते हैं, दुनिया भर के बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, वो करते हैं पर वो ढिंडोरा नहीं पीटते, हम नेटी हैं, हम नेटी हैं। जब कोई तुमसे कोई पूछ ही नहीं तो प्रूफ क्या कर रहे हो भाई? अरे नेटी हो, कहीं गाना गाता है? नहीं है, वो दिखता है नेटी। मसल मास ऐसे ही नहीं बढ़ता भाई किसी का। और एक छोटी सी चीज बताओ, जो लोग देख रहे हैं तुम्हारे घर में आटा चावल चिकन मटन दूध अंडे बादाम बादाम वही आते हैं ना जो लोग ये खाते हैं, तुम 15.5 किलो की लिफ्ट बढ़ाते हो पूरे साल में। मेरे से बोलता है आपकी ग्रोथ रुक गई है तो आप दुखी हो गए हो। मैंने टूटे टूटे हाथ में 300 किलो की फार्मर वॉक मारी है, तू ट्रैप बार लेके 2 कदम तो चल। कल परसों में बस खींच के दिखा दूंगा, जान है शरीर में हंगा है भाई, पर उस चीज का गाना नहीं गाता क्योंकि मुझे पता है ये चीजें कभी भी खत्म हो सकती है। अभी यहां बैठा हूं, कोई बस आके टक्कर मार दे, हो गया सब खत्म, धरा रह गया सब कुछ। घमंड किस चीज का है? हम पे तो साला सब कुछ होने के बाद घमंड नहीं हुआ, तुम पे बिना कुछ हुए घमंड हो रहा है। तेरे अगर 500 फॉलोअर भी खड़े होंगे ना भाई, अगर मैंने कुछ चाहा ना तो 500 में से 5 भी नहीं आएंगे। लॉयलिटी चेक करनी है तो मेरे को जब मन करे बता दियो यार। मैं तेरे लिए कुछ गलत करता नहीं, तू मेरे साथ कितनी बार रह चुका है, कितनी बार खा चुका है, कितनी बार बैठ चुका है, मैंने तेरे को आज तक कभी एक गलत वाइब नहीं दी होगी। मेरे से किसी को एक गलत वाइब आ ही नहीं सकती, ऑरा है ही नहीं भाई, वो नेगेटिव कुछ सोचता ही नहीं, उल्टा सीधा दिमाग है, बिजनेसमैन वाला दिमाग है, 4 चीजें सोचता हूं, ठीक है पैसा कमाना है, लाइफ आगे बढ़ानी है, पर साला किसी का चूतिया काट के थोड़ी कर रहा हूं काम। मैं इन बच्चों को तो नहीं बोल रहा ना ये प्रोटीन ले लो ये क्रिएटिन ले लो, जब मेरे को खुद कुछ नहीं पता। जितने क्वेश्चंस के आंसर मेरे को खुद पता भी नहीं होते, मैं उनका आंसर तक नहीं देता यार। कुछ गलत बोलने से अच्छा है ना बोलना। तुमने पता नहीं गंद मचा रखा है यार पूरी कम्युनिटी में। 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग में कोई गंद मचता ही नहीं था यार, आके टॉक्सिसिटी फैला दी उसमें, फिर मेरे को कहते थे आप टॉक्सिसिटी करते हो। अरे मेरा किसी से कॉन्ट्रोवर्सी का लेना नहीं देना नहीं, कॉम्युनिटी में बड़े से बड़ा बंदा हो भाई भाई बोल के बातचीत है, साला तुम्हें कोई पूछता है? मम्मी के लिए कर लाऊं, पापा के लिए कर लाऊं। मैं सच बोलता हूं, मैं जायज बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, गुस्सा आ रहा है तो दिखा रहा हूं, तेरी तरह मैनिपुलेट नहीं कर रहा कि हाँ ट्रिगरिंग, दिल्ली वालों को कॉल कर दो पुलिस वालों। भाई मैंने किसका नाम लिया? पापा के नाम के साथ एड्रेस के नाम के साथ। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हें बोल रहा था वो, तो मैं फिल्म शूट कर रहा था, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दी, फिल्म की शूटिंग हो रही है हमारी, डाल लो। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, बच्चों वाली हरकतें सही में छोड़ दो। अब कल पक्का कुछ ना कुछ और टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे जिससे मेरी इमेज और खराब हो, डाल लो भाई मैं क्या करूं। तुम तसल्ली कर लो अपनी, तुम इतनी तसल्ली कर लो कि मेरा पारा ना बिल्कुल माथे से ऊपर निकाल देना, फिर मैं तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा, पर तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छे इंसान की तरह रहो, सही रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। इन बालकों को पागल मत बनाओ, लिफ्टिंग थोड़ी सुधर रही है, बढ़ रही है, बढ़ने दो, तुम्हारी लिफ्टें बढ़ जाएंगी बढ़ा लो, हमारी बढ़ेंगी हम बढ़ा लेंगे, किसी का दूसरे की लिफ्टिंग पे कंट्रोल नहीं है, किसी का चोटों पे कंट्रोल नहीं है। 4 चोट लगी नहीं है ना आपको, पता लगे पावर लिफ्टिंग होती क्या है। अरेन टॉप पे था, आ गया उसके एडक्टर में स्ट्रेन, अब चाहे बंदा 250 मारता हो, 200 मारेगा, 220 कुछ भी मारेगा, जो रिकवर हो जाएगा भाई। हम्बल रहोगे तो बहुत अच्छा है, कब कहां क्या हो जाएगा ना, कंपटीशन से 4-5 दिन पहले चोटें लगती देखी है, सब डरा रह जाता है,
310 की लिफ्ट का ओपनर 220 होता है। पता नहीं किस चीज का घमंड है यार। टॉपिक की बात थी स्टीरॉइड्स, वो टॉपिक हटा के सारा सब कुछ क्लियर कर दिया। मेरे को लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, ये धमकियां। अरे तू स्टीरॉइड्स की बात कर भाई, मैं कल एक यूट्यूब वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिंघा मन्नू की चीज डाल दूंगा और एक उसकी फूक मार के जो उड़ जाए उसकी डाल दूंगा और वो विकास वाला सीन भी क्लियर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता भाई कल को कोई सोचे बहन से मैं फ्रॉड करता हूं। अरे यार कल को मेरे क्लाइंट है 4-5 साल पुराने जिनसे मेरी तूतू में मैं कहा सुनी हुई हो, सब कोचेस की होती है, सब कोचेस की होती है यार। वो आके कुछ बोलने लग जाए, इनने हमारे साथ ये गलत करा वो गलत करा, क्यों भाई तुम्हारे घर का कोई उठा ला जाए। मैं मेरे बंदे हैं कोचिंग कर रहे हैं, उनसे पूछो सर्विस मिलती है नहीं मिलती। डेली चेक इन लेता हूं, कोई कोच दिखा दो तो डेली चेक इन लेता हूं। और अगर किसी को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे किसी क्लाइंट से पूछ लो, मेरे किसी क्लाइंट से पूछ लो भाई। मेरे किसी क्लाइंट से ज्यादा सच्चा तो कोई नहीं बता सकता ना। मैं टाइम देता हूं नहीं देता, मैंने 45-40 लोगों के पैसे तो नहीं खाए कोचिंग के नाम पे। कभी कभार होता होगा प्लान लेट हो जाता है, ठीक है समझ आता है, सामने से बंदा मैसेज नहीं करता मेरी तरफ से भेजना है, हो जाता हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पैसे तो नहीं खाए भाई किसी के, खाए हो तो बता दो, खाए हो तो भाई मेरे को मैसेज कर देना। किसी टाइम पे मैंने लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करा था, 20-22 लोगों को, अपने ही बंदे थे कि थोड़े एजुकेट हो, एजुकेट होंगे तो कल को कमा लेंगे। इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने बोला पैसे देंगे, नहीं दिए, कोर्स रोकना पड़ गया। तो अब ये बोल दो कि मैं फ्रॉड करता हूं। जितने भी बंदे रोके थे उस कोर्स के सबको कोचिंग में एडजस्ट करा, जिनने कोचिंग ली, जिनने नहीं ली वो उनकी मर्जी थी। मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है भाई जो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा आए। कॉलेज टाइम पे बहुत कलेश हुए होंगे, बहुत वसूली हुई होंगी। टाइम है, सबका एज होती है, टाइम के साथ मैच्योरिटी आती है। मेरे को 28-29 साल का बताता है भाई, किसी लड़की के घर वालों ने देख लिया, मेरी वाली के घर वालों ने देख लिया 28-29 साल का, 27.5 साल का हूं, इतना बुड्ढा मत कर। खुद तो तुम 22-22 साल के 19 साल के हो और मेरे को बुड्ढा कर दो। कल सारा फेशियल ही कराऊंगा, उसकी भी स्टोरी लगा दूंगा, क्योंकि हर चीज की स्टोरी लगानी तो जरूरी होती है। भैंसो फिर कॉमेडी स्टार्ट होती है, पता नहीं कुछ हो गया मेरे को तुम्हारे साथ रह के। अब और लंबा खींचूंगा नहीं, कल YouTube वीडियो डाल दूंगा, कोशिश करूंगा छोटा सा छोटा रखने की, देखने वाला भी बोर हो जाता है इनकी देखते देखते जैसे मैं हो गया। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ कराया, मॉन्स्टर में तो तू प्री पीता था मेरे आगे, तू वो गरीब है। पता नहीं यार भाई लोग गंदे होते हैं क्या। बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग जो भी इंसान कर रहा है ना वो गरीब नहीं है। जो शुरू कर रहा है वो गरीब हो सकता है, वो 4-5 महीने बाद छोड़ देगा। अगर कोई 2-3-4 साल से कर रहा है यानी उसकी जेब में पैसा है, पैसा है तभी खाना आ रहा है, सप्लीमेंट आ रहे हैं, जिम के इक्विपमेंट आ रहे हैं, काम हो रहा है। पैसा नहीं होगा खुराक कहां से खाओगे। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, तो बिल भरोगे, राशन लाओगे या बहन जो तू चरेगा उन्हें। सब चीजें इमोशनल फूल बनाने के लिए होती हैं ताकि तुम्हें एक तरह से अटैचमेंट दिखा दे, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेरे पे रोना ही नहीं आता यार, मेरे को रुला तो दो, एक्टिंग भी तो नहीं आती, एक्टिंग भी तो नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे से कैसे कर लेते हो, मेरे को तो कुछ सोच के भी रोना नहीं आता, पर मेरे को लगता है ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। कल को अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन गया जैसा सिंघा ने मेरे को बोला, मुझे लगा आपको इन्फ्लुएंसर बन, भाई मेरा इन्फ्लुएंस है, तेरा इन्फ्लुएंस नहीं है। तेरा इन्फ्लुएंस किस चीज का होगा, किस चीज का इन्फ्लुएंस होगा, एक चीज तो बता जिसका तेरा इन्फ्लुएंस होगा। तेरा वर्क एथिक हो, तेरा डिसिप्लिन हो, तेरी कंसिस्टेंसी हो, तेरी विल पावर हो। अकेले 2 बंदे आए, 8 बंदे बाहर नहीं आए, हो सकता है इतने लोगों, तू मेरे को बता कहां मिलना है। मैं अभी कराता हूं फ्लाइट, अब बोलते हो रांची, वहां खड़ी कर दियो 3 लड़कियां, रजत पे रेप केस, रजत 3 नहीं संभाल सकता भाई। गिरी हुई हरकत पे उतर रहे हो भाई तुम, मैं नहीं उतरूंगा, और मैं उतरूंगा तो सोशल मीडिया के बाहर उतरूंगा, सोशल मीडिया पे नहीं उतरूंगा। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं 2019-2020 के, वाह उसके भी पहले के हैं ये, उसके भी पहले के, पता नहीं कैसे लोग हो गए यार।
2019-20 में ना तू नंगा घूमता था रोडों पे, मेरे को बॉडी बिल्डिंग तलनी है, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। साले निकलता होगा ना नॉट प्लेस में टी शर्ट उतार के सब बोलते होंगे कौन चपरी घूम रहा है, कोई नहीं बोलता होगा बॉडी, क्योंकि बॉडी थी भी नहीं और बॉडी आज भी नहीं है। वेल डेवलप्ड फिजिक पता है क्या होती है, जिनके बाप दादा ने कभी वेल डेवलप्ड फिजिक नहीं बनाई ना वो आजकल बोलते हैं वेल डेवलप्ड फिजिक। अब तू बोलेगा मेरे घर वालों के बारे में, तू बोल फिर मैं तेरे को प्रूफ दिखाता हूं। मेरे भाई की बेंच 226 किलो थी, 82-83 किलो बॉडी वेट पे, कल छाती डाल दूंगा तेरे पूरे खानदान में, वो किसी की दिखा दियो जो तू फैमिली के ऊपर बात चोद रहा है। डबल PhD है, फैमिली पता नहीं कैसे लोग हैं यार, खुद साले गंद में से निकले होते हैं, दूसरों को गंदा दिखाते हैं। इतने लाइक चाहिए, फॉलोवर चाहिए, मेरे को बता दे मैं। अच्छा हाँ, इसने मेरे को एक चीज और बोली थी, पावर लिफ्टिंग में पैसा नहीं है। मेरे 2-3 दोस्त हैं तेरे को ठोक सकते हैं, मतलब वैसे वाला ठोक सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाला नहीं। 1 लाख रुपए महीने के मैं तेरे को दूंगा, पावर लिफ्टिंग से कमा लूंगा, तेरा 1 लाख रुपए महीना मैं बढ़वा दूंगा। पावर लिफ्टिंग में पैसा आ जाएगा तेरे पास, तब तो कमेंट नहीं करेगा। ये गिरी हुई हरकतें छोड़ दो भाई, तुमने शुरू करी है, मैंने नहीं करी। कल रात में मेरे को फोन करके बोलता है, ब्रो विल सॉर्ट फकिंग एवरीथिंग, आई विल बी डूइंग दिस, यू विल पोस्ट अबाउट दिस। अरे जब तेरे को डालना था मेरे को फोन क्यों करा 50 मिनट, तू डाल देता। वो मन्नू है, वो इतना इनोसेंट ट्रंप कार्ड खेलता है, वो चुप निकल जाता है हर चीज से चुप निकल जाता है। निकल जा भाई, मैं तो कल वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं ना तुम्हें जानता, जितनी गालियां देनी है दे लेना। मैंने भाई तुम लोगों के लिए चीज करी थी, मुझे इसमें घंटा कुछ नहीं मिल रहा। मेरा जीवन बहुत शांत चल रहा था, बहुत प्यारा चल रहा था, और कल के बाद वो वैसा ही चलेगा। ना नंबर चेंज करूंगा, ना अकाउंट के साथ छेड़ाखानी करूंगा, तुम उड़वा दो तो एक अलग चीज है, वो 4-5 दिन में रिवाइव हो जाएगा। कौन कौन जानकार है वो भी मैं बता दूंगा। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, वो बच्चा एक आर्यन उसका अकाउंट उड़ा दिया, आर्यन की वीडियो में बोल रहा है रजत आएगा उठा लेगा। रजत भैया पीछे बोलो भैया, वहां दिखाओ तुम खुद को सिग्मा मेल, और सिग्मा मेल फिर रोए अपनी यूट्यूब वीडियो में। हेलो फैमिली के लिए कुछ कर तो सही भाई, फैमिली से तू खाए जा रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है। फैमिली किसी को मानो ना, तो मानो। अरे यार पता नहीं सोशल मीडिया हो गया क्या हो गया साला, हम पहले से चला रहे हैं, इतनी गलीच पने के लोग नहीं देखे। 2018 में 200 की डेट मारी, 17 साल एज, वो साला 17 से 19 हुई हुए 5 साल में, फोटो दिखा रहा है कहीं के। अरे भाई मेरे फोटो देख तू कॉलेज टाइम के, हंसोगे तुम कि ये क्या है। ग्रोथ एकदम से होती है भाई, 16 साल के बच्चे हैं, मेरे से ऊपर दाढ़ी है, हम 16 साल के हैं भाई, हमारा अपना स्कूल है, मैं एज करवा लेता हूं मेरी 15, मैं खेल लेता हूं सब जूनियर, बता जमीर बेक के तो मैं भी ये काम कर सकता हूं, फिर मैं बोल दूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑल अक्रॉस इंडिया। अच्छी चीज देनी आती नहीं है, गंदी देते रहो। पूरे अपने यूट्यूब में इंस्टाग्राम में एक कुछ ढंग की वीडियो डाली है, जो कुछ सिखाए, जो कुछ बताए, जिसमें रोना धोना ना हो। साला 20 मिनट की वीडियो होती है, उसमें 12 मिनट का तो गाना गाना होता है, यहां समझ नहीं आता ट्रेनिंग के टाइम मुंह कैसे खुल जाता है। जोन होता है एक चीज, ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ दिखाना होता है, कैमरा लेके साला ट्रेनिंग मेरे पे आज तक होती नहीं है। मैं छोड़, वो कंपैरिजन भी छोड़, मेरे को लाइक व्यूज नहीं चाहिए होते ना। मैं मेरे घर वालों के लिए कुछ करूं, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, कोई फ्लैट खरीदूं, उसकी वीडियो बना दूं। तुम साले वेंचो चॉकलेट खरीदोगे, उसकी वीडियो बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरी मम्मी के लिए आज चॉकलेट दी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है मेरे बचपन में, जब मैं भूखा होता था चावल बनाती थी। मम्मी तो करती है भाई, मम्मी सबसे प्यार करती है। अब बहन सोच के मे जो भी बोलते हैं, कई तरह के वर्ड सुने ना, सब कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें मैं, वो मत बना देना यार। मेरे पे लिटरली वीडियो है इसकी लेटे हुए की, पर मैं डालूंगा ना तो मेरा अगेंस्ट यूज कर सकता है, कर सकता है। तू है गलीच भाई, तेरे को मौका चाहिए, तभी तूने कल कॉल करा है,
तूने पूरी सेटिंग करी है, प्लानिंग करी है, एक जगह बैठ के तुमने वीडियो बनाई है, मेरे देख ले आसपास कोई नहीं है, ये देख खाली ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है। आठ लोग सात लोग तुम मिलके इकट्ठे बैठे रहते हो, उसके बाद भी दो लोगों से घबरा जाते हो और फिर खुद को बोलते हो वी आर अल्फा मेल्स, वी आर अल्फा मेल्स, अल्फा मेरा पानी पी लूंगा थोड़ा। YouTube वीडियो में थोड़ा बहुत डाल दूंगा और जो भाई चाहे शेयर करना वो उनकी मर्जी, ऐसे भी यार किसको करोगे बोर हो जाएंगे देख के, पर फिर भी मैं नहीं बोलता ये सारी चीजें ना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्यों? क्योंकि हमें कुछ और तो आता नहीं है, यहीं से काम धंधा चलेगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। और भाई जिसने गालियां लिखनी हो लिख लेना, पर मेरी तरफ का कोई बंदा इनके पोस्टों पे कुछ मत लिखना। अब आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। 3518 इतने तो कभी मेरे लाइफ पे आए ही नहीं, यानी इसमें 2500 2000 भाई तो इसके हैं, पर भाई देखो इसके भाई भी जो देख रहे हैं ना, ना तो मेरे को इससे कोई द्वेष है, ना तुम लोगों से द्वेष है, और ना मुझे इनसे कोई प्रमोशन लेना। कितने फॉलोअर बढ़ जाएंगे, 1000 1200 1300 1400 1500? मेरी पोस्टें ऐसी ऐसी, मैं उनमें 500 रुपए के प्रमोशन लगा दूंगा, दुनिया भर का निकल जाएगा। अगर तुम्हें इतनी तुम्हारी सोचो कि इसके थ्रू मेरे पे फेम आएगा, अब इसे जानता कौन है, इसे बच्चे जानते हैं। एक्सपो में जा, अभी ये होगा ना तेरा शेरू क्लासिक, उसमें तू जा, तेरे को अगर एक ढंग का बंदा पूछ लेना, हाँ सिंघा जी आइए हमारे बूथ पे बैठिए, तो हमें बता दियो। तू वहां जाएगा, अपने चपरियों से मिलेगा, फोटो खिंचवाएगा, मीटअप कर देगा और निकल जाएगा। क्यों? जैसी तेरी औकात है वैसे ही लोग तेरे साथ रहते हैं। हम चाहे साले चप्पल में डोले, बड़े से बड़े के साथ बैठ जाते हैं पर फिर भी फोटो नहीं डालते। तू छोटी सी चीज हो, एक कोई बच्चा आएगा फोटो खिंचवाने, अरे सही है कर प्रमोट, तेरे दिल को खुशी मिलती है उससे, तसल्ली मिलती कर। अगर छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है ना डायलॉग, एक फिल्म है तो मैं देख चुका हूं पहले बहुत सारी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई एक बहुत छोटी सी चीज और है, इस चीज में ना कम्युनिटी वगैरह को मत घुसाना, किसी की मां बहन को मत घुसाना। बाकी देखो इसके वाले तो बालक है, उनमें बुद्धि है नहीं, तो वो चाहे जो भी करे, मेरे को नहीं पता ये भाई किन जातियों से है, पर जितनी भी जाति जो भी है हमारे हिंदू भाई हैं, तो कल को ये चीज ना हो कि वो इस कम्युनिटी से है, इस कम्युनिटी के बंदे को उल्टा बोल रहे। मेरे लिए तुम सब बराबर हो भाई, मेरे वाले थोड़े पहले आते हैं वो एक अलग चीज है, सबके ही आते हैं, भाईचारा भाईचारा है ना भाई। पर मेरी तरफ से किसी भी कम्युनिटी को डिफेम कभी नहीं हुआ ना होगा, चाहे मेरा रिलीजन हो चाहे दूसरों का रिलीजन हो, मैं कभी इन चीजों के ऊपर नहीं बोलता। मैं चाहे गाने चला लूंगा जाटों के ऊपर, मैं कभी नहीं डालता कुछ भी। तो भाई इस चीज से, इस चीज को, इस चीज का मुद्दा स्टीरॉइड्स वाली चीज है, वो क्लियर कर सको तो वेल एंड गुड है। और भाई देखो तुम्हारा काम ही है डाइवर्ट करना, लाइफ थ्रेट्स दे रहा है भाई, मैंने तेरे को छू लिया क्या, मैंने कुछ कर दिया, मेरा भाई मेरे को सब, अरे अगर तेरे को कल को कोई कुछ दूसरा भी कोई कुछ कर देगा ना, तो चल मैं रजत दलाल जिम्मेवारी लेता हूं, तेरे मम्मी पापा को मैं संभाल लूंगा, पर मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा यार, अगर उनके लिए कुछ करूंगा तो। अगर तू तेरे अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे देगा, फेम चाहिए ना मुझे तो, फॉलोअर चाहिए तो यार उसे कौन चलाएगा ना, कम से कम मैं भी तेरा अकाउंट चला लूंगा यार, इतना सौभाग्य तो मेरे को मिल सकता है ना। अब कल इस पे बोलती हूं, हां मैं तेरे को सौभाग्य दे दूंगा, क्योंकि तू जिस टाइम ये रोना धोना मचा रहा था ना, मैं पढ़ रहा था, जिस टाइम तेरे पल्ले पढ़ाई समझती नहीं थी ना, उस टाइम तू जितना पढ़ा है ना उतना मैं निकाल चुका था, कि हाँ ये मैं पढ़ चुका हूं पर इसका जीवन में कहीं फायदा नहीं आएगा, निकालो साइड में। तो आगे से अपनी औकात में रहियो, चिंगे चिंगे, तेरे से डरता होगा कोई और तेरे फॉलोअरों से, मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता ना, मैं 500 लोग लेके घूमता, अकेला घूमता हूं, अकेले जिम जाता हूं, जब मन करे जहां मर्ज करे आ जाइयो। तू नहीं आ सकता, मन्नू के तो बहुत सारे भाई आ सकते हैं, अगर मेरी कोई गलती है, गलती ना भी हो तुम्हें अपना बहम उतरवाना हो तो भी आ जाना, ठोक के बोल रहा हूं। और कल को सेल्फ डिफेंस में मेरे से कुछ हो गया ना, और किसी का बालक चला गया,
तो फिर रोना धोना मत मचाना, क्योंकि भाई सेल्फ डिफेंस में तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो किसी को नहीं छू रहा, अब कल इस चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया तो धमकी दे रहा है। खुद बोलो, कोई रोक नहीं पाएगा तेरे पे, फुल स्टॉप लगा चुका हूं कई बारी। पता नहीं यार, मैं ना इंस्टाग्राम पे कभी ना बोलना स्टार्ट नहीं करा था, अब मैंने बोलना स्टार्ट करा ना, मेरे को मजा आने लग गया है, पता नहीं क्यों। पहले तो थोड़ी शर्म आती थी कि यार क्या बोलूंगा, इंटरेक्ट करूंगा लोगों से। अब तो बहन चो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूं, तुम इंटरेक्ट कर सकते हो तो हम तो पता नहीं इंटरेक्शन कर सकते हैं। और थोड़ा पढ़ लिख लिया कर, मैसेज कर दियो मेरे को, तेरे को पहले पढ़ाऊंगा। और हाँ, एक वो है कुणाल, ओ यार मैंने नाम क्यों ले लिया यार, चलो ले लिया तो कौन सा कुछ पढ़ लेगा। मैं ईबुक्स पढ़ रहा हूं, तेरे को पता है हैमस्ट्रिंग की 3 मसल का नाम क्या होता है? अब तुम पूछोगे मेरे से कि क्या होता है, मैंने फ्लो में पूछ दिया, शिट यार गूगल करूं, बाइसेप फेमोरिस सेमी मेम्ब्रेनियस सेमी टेंडिनियस, चलो ये चीज छोड़ो। ईबुक पढ़ रहा है, तूने क्या पढ़ा है, तू लोगों को तो सिखा यार उससे, तू खुद ही सीखे जा रहा है सब कुछ। तुम पे हगने मूतने की वीडियो बनाने का टाइम होता है, लोगों को कुछ पढ़ाने सिखाने का नहीं होता। खैर तुम पढ़ाओगे सिखाओगे तो लोग जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। पता नहीं यार तुम इतनी टॉक्सिसिटी देते हो, फिर भी मैं गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। आ तो रहा है वैसे बैठ जो, पर क्या करूं तू बहुत दूर है ना। कल मेरे को कहता लगता है आपको मेरे से प्यार हो गया, अब तेरी फोटो जूम कर करके देखता हूं ना, स्क्वाट मारते हुए तेरी नीचे से कि हाँ वाओ गोल नहीं बैठ जो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, थोड़ी कॉमेडी करनी जरूरी है ना, वरना इसके बंदे रिपोर्ट करा दे भाई, वो उल्टा सीधा इस पे तो करा लो भाई, तुम अपने दिल की कर लो, एंटरटेनमेंट तुम्हारा ही खराब होगा जो मिल रहा है थोड़ा बहुत। डीपी हटा दी सबने, फेस बैन हो जाएगा इनकी, देखा देखी मैंने भी हटा दी इनकी, मैं क्यों पीछे हटू यार, इन्फ्लुएंसर्स का कॉपी तो करूंगा ना, कुछ तो सीखूंगा इनसे। तो कल भाई मैं वीडियो डाल दूंगा, जिस भाई ने अपनी कीपैड से गाली गलौच लिखनी हो, इसके बहुत सारे भाई देख रहे हैं मुझे पता है, तो आप बेझिझक डाल देना। पर एक चीज डालने से पहले ना ये चीज देख लेना, मैं इसमें ना भाई कुछ झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हारे दिल को ठेस लगी हो कि कोई नेचुरल एथलीट तुम्हारा असल में नेचुरल नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन नेचुरल है कोई नहीं है, पर अगर कम्युनिटी को गंदा करोगे, झूठ बोलोगे, बच्चों को पागल बनाओगे, मेरे को प्रॉब्लम है। इकलौता यही रीजन है कल को मैं फेडरेशन खोलने का सोच रहा था और कॉम्पिटिशन कराने का सोच रहा था कि हाँ करूंगा, कि कल को किसी को स्टेज मिलेगी। तुम्हारे बस की तुम में गूदा हो, तुम लगा लो फेडरेशन, एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करके तो देखो लोगों के लिए, पता लगेगा ऊपर से नीचे तक तोते कबूतर कैसे उड़ते हैं। तुम्हें खाली आता है कैमरा लेना और वीडियो बनानी, और वो भी अपने लिए, अपने चैनल के लिए, समाज के लिए, जानवरों के लिए, अपने से छोटी जनरेशन के लिए कुछ करा हो, कर सको तो कर लेना। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो डली है ना तो इसको प्रूव करने के लिए तुमसे कुछ पुण्य हो जाए। इतने प्यारे बनेंगे, इतने क्यूटी भाई बनेंगे, रीटेक तो लेंगे, गुस्से की वीडियो में भी 4 बार रीटेक लेंगे। किस बात की गुंडे बनोगे तुम, गुंडाई करनी है छोड़ो यार, अब मैं घर पहुंच गया हूं, कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी मेरी मसल सब अगर मैंने थोड़ी देर और दिखाया, ऐसे ही होता है ना। चलो इतनी देर जुड़े रहने के लिए आप लोगों का, मेरे वाले लोगों का धन्यवाद, और इसके वाले भाइयों का भी धन्यवाद। पता नहीं बहन जो स्टोरी व्यूज जाती थी रोज की 14,000-15,000, बहन जो 30,000, पर मैं खुश नहीं हूं उससे, मेरे लोग नहीं है ना, वो ये खुश होते क्योंकि इनको लाइकों से, इंटरेक्शन से, सब्सक्राइबर से पैसा आता है ना, मेरा नहीं आता ना, मैं गरीब आदमी हूं। कल भाई ने बोला 39,000 फॉलोवर है, तेरे चक्कर में 40 हो गए हैं भाई आज, पर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही उस चीज की। कोई ना कोई तो आपको रीच कर लेता होगा ना, बोल ठीक है मेरे को इक्विटी के लिए करते हैं, तेरे को तो स्पॉन्सर करने के लिए करते हैं, तेरे को तो ये भी नहीं पता होगा प्रोटीन में एलिमेंट कौन सा होता है। लुलू एलिमेंट पता है ना क्या होते हैं, छोड़ मैं किससे बात कर रहा हूं, ज्यादा देर रहूंगा तो तुम बोर हो जाओगे। चलो ख्याल रखो अपना, चिंगा। मुझसे प्यार हो गया है आपको, मुझसे प्यार हो गया आपको।
पता नहीं जिसको हुआ है उसके और भाग फोड़ेगा। सॉरी भाभी जी अगर बुरा लगा हो तो, पर सच है।